हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है आरवी की एडवाइस और मैं हूँ आरवी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज आपको पता चलेगी 2020 में शादी करने के नए नियम। बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं ना पूरे साल, और अब ये बदलाव के बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। क्या अब लड़की की शादी करने की एज जो है वो 21 कर दी गई है? क्या लड़की की शादी करने की जो उम्र है वो 21 से कम करके यानी कि 20 कर दी गई है? क्या है पूरा प्रोसेस? क्या दोनों की एज 21 होनी चाहिए? क्या अब नाबालिग से शादी करना वैलिड होता है? अगर आपने कर लिया है तो क्या आपको इसके लिए जेल जाना पड़ेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर आप स्टेट अलग अलग हैं तो क्या आपका वैलिडेशन कहाँ का होगा, कहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ का वैलिडेशन होगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वीडियो में जानने को मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो के साथ जरूर बने रहना। यूँ तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले गए हैं मैरिज को लेकर, और इसी पे बहुत सारी नए नए रूल्स भी आए हैं। रूल्स कुछ ऐसे कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं तो अब तो शादी की उम्र यानी एज जो है वो चेंज हो चुकी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको बता दूँ बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के थ्रू, और जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके तरफ से ही मैं आपको ये सारी खबरें देती हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ शादी करने की जो एज है वो 18 लड़की की, और लड़के की एज है वो 21। इससे एक दिन कम नहीं, इससे एक दिन ज़्यादा नहीं, यानी कि मतलब ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बस इतना ही कहती हूँ कि आपको ये जो गलत फहमी है ना जो पूरी दुनिया में फैल रही है, बिल्कुल भी उससे आप हट के ये सारी जानकारी लो जो बिल्कुल सही है। आपको जो खबर दी गई थी कि 18 से 20 साल चेंज कर दी गई, ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, 18 लड़की की और 21 है लड़के की। हाँ, ये डिमांड रखी गई थी कि जो है जब मतलब लड़की की एज जो है 21 ना, लड़की की जो एज है वो 18 कर दी जाए और लड़की की भी एज कम कर दी जाए, और पर ऐसा नहीं है। अब आपको बता दूँ लड़की की एज 18 है लेकिन लड़की की 21 ही है, ये कंफर्म है। और ये बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन आपको बता दूँ कि बहुत सारे केसेस हुए लेकिन ये फाइनल डिसीजन लिया गया। अब बात करते हैं हम कि क्या जो है रजिस्ट्रेशन, वो अगर नाबालिग शादी कर ली तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन होता है? दोस्तों बहुत के कहते हैं कि मतलब नाबालिग से शादी कर लेने के बाद आपका जो है वैलिडेशन नहीं होगा, और बहुत तो कहते हैं कि वैलिडेशन होगा, वैलिड आपका है। देखिए, अगर आप नाबालिग से शादी करते हैं तो फिर वो जो है ना वैलिडेशन बिल्कुल नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं आपका, रजिस्ट्रेशन मैरिज की होगी ही नहीं। तो जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो फिर वैलिड कहाँ से होगी? दूसरी बात, अगर आपने शादी कर ली कस्टम से यानी रीति रिवाज से आपने शादी कर ली, मंदिर में शादी कर ली, तो फिर ये वैलिड है। लेकिन अगर आपने शादी की, आपके पास प्रूफ है, आप कहते हैं हम शादी कर लिए हमने, तो फिर इसको अलग कराने के लिए फिर आपको वही सारे प्रोसेस करने होंगे। आप ही कर सकते हो इसे अलग, यानी कि आपने अगर शादी कर ली है तो आप ही अलग हो सकते हो, आपके पेरेंट्स आप पे दबाव नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हाँ, इसके थ्रू मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप जो है अंडर एज मैरिज करो, आप नाबालिग है तो आप नाबालिग होकर शादी करो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी एज हो, जब आप बालिग हो जाओ तब भी शादी करो। और उसी के हिसाब से अगला जो सवाल है, बहुत सारे लोग इस पर कन्फ्यूज़न थे, सारे कन्फ्यूज़न दूर किए हैं मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन सवाल लिए हैं उसके बाद ये वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहिए, कि आर्य समाज का या फिर कोर्ट मैरिज का? दोनों आपको लेनी पड़ेगी, दोनों ज़रूरी है, दोनों के थ्रू ही आपकी शादी जो है वैलिड होगी। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या हम इंटरकास्ट मैरिज करें तो फिर इस पर कोई प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें हमारा संविधान है वो इस चीज़ों को नहीं मानता। अगर आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, आपकी वैलिड एज है 18 और 21 की, तो आप शादी कर सकते हो, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से यानी अपनी शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो, फैमिली दबाव बनाएगी तो आप शिकायत कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। और नए नियम के हिसाब से आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, और उसी के हिसाब से आपको बता दूँ कि आपके पास पूरा का पूरा राइट है, हक है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। उस पर ही जाति बिरादरी या फिर कोई कुछ भी कहे, आप उस पर प्रेशराइज मत हो, डरो मत, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कोर्ट मैरिज कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही है आपके लिए। यहाँ तक ही हम बात बता दी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सबको अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिन्होंने पहले भी शादी की है और जो अब भी शादी करने वाले हैं उन सबको करानी जरूरी है, यानी आपका प्रूफ चाहिए कि आपने शादी की है। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि हम दो स्टेट्स हैं, अलग अलग हैं, हम एक यूपी है, कोई दिल्ली से है, तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, वो कहाँ से इशू होगी? आप अगर दिल्ली से हो तो फिर आपको वहाँ से वैलिड होगी, क्योंकि जैसे कि लड़की यूपी के है और लड़का जो है दिल्ली का है, तो आपका रजिस्ट्रेशन वहीं से होगा, यानी दिल्ली से ही, जहाँ से लड़की की आईडी है, तो आपका वहीं से प्रूफ होगा, वहीं से वैलिड होगा। अलग अलग जगह से अगर आप किसी और स्टेट पे जाके कराते हो तो फिर भी आपका वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि आप पूरी इंडिया में कहीं से भी करा लो और आपका वैलिड ना हो, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी कराओ लेकिन आपका वैलिड ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, आपको बता दूँ कि आपको सही जगह पर करानी है, फेक फर्जी लोगों से दूर रहे, ऑफिशियल जाके एडवोकेट से मिलके ही आपको शादी करनी है, एडवोकेट के थ्रू ही आपको करनी है। पूरा जो आपके आपका प्रूफ चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चाहिए और वो भी रियल, तो आप इन सारी धोखाधड़ी से बचो और जल्दी से इन सारी बातों को नोट डाउन कर लो। कोई भी मुश्किल है, कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, लेकिन ये जो अफवाहें हैं ना, उन सारे चीज़ों से आप बचो। अब बच भी रहोगे तभी सही जानकारी वहीं मिलेगी, कहाँ? आरोही के एडवाइस में। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेगी, और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, कमेंट और हमारी चैनल पे चेक करो। और आज का सवाल है बस इतना, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे ना कि क्या लड़की लड़की की जो एज है 21, उसको कम करके 18 कर देनी चाहिए और लड़की की जो उम्र है वो 16 कर देनी चाहिए। तो मैं आपसे सवाल रखती हूँ कि क्या अभी जो हमारा सिस्टम है, जो हमें कहता है 18 और 21 जो वैलिड एज है शादी करने के लिए, उसे कम या ज़्यादा करनी चाहिए? आपका क्या विचार है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखना अपने नाम के साथ। उम्मीद करती हूँ आप इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करना ना भूलें, सब तक ये जानकारी पहुँचाई, वरना बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें हो जाती हैं। आप दोस्तों की मदद करें, सबकी मदद करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।